लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। अवैध कच्ची शराब और नाजायज शस्त्र के विरुद्ध दानेपुर पुलिस ने अपनाया सख्त रुख। चुनावी सरगर्मी के बीच अवैध शराब और नाजायज असलाहों पर दानेपुर की पुलिस अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। इस समय ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में शराब और पैसा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों का अनुपालन करने की दिशा में दानेपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के टहलुवन पुरवा के निवासी संगमलाल पुत्र मेवालाल को अवैध चाकू के साथ एवं थाना क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों से कुतुबगंज बाजार से मोहम्मद कलीम पुत्र नईम के पास से एक अवैध असलाह बरामद कर गिरफ्तार किया गया। क्रमशः दानेपुर क्षेत्र करमडीह पंडित मोफिया के रहने वाले बाबूराम पुत्र रामकिशन को भी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के बहत ग्राम वृंदावन पुलिया के पास से राम लक्ष्मण अथवा राम बच्चन पुत्रगण राम दशरथ को कच्ची शराब बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके पास 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है तथा 20 लीटर कच्ची शराब के साथ बाबागंज क्षेत्र के रहने वाले संतोष पुत्र अरकानी को गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया। इस धरपकड़ में थाना अध्यक्ष संजय कुमार तोमर सहित पुलिस टीम के आरक्षी रामानंद यादव, मुरलीधर मिश्रा, शोभेश सिंह, अविनाश सिंह, शिवजीत यादव, पशुपत नाथ तिवारी, कन्हैया लाल ने अहम भूमिका निभाई।